दोस्तों स्वागत है आप सभी का युगिन टॉल चैनल पर। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जुरुत्सु कैसेन के लेटेस्ट चैप्टर 249 के बारे में, जिसमें यूटा ने अपने ब्रोकन डोमेन एक्सपेंशन का यूज किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। और इससे पहले मैंने सोलो लेवलिंग के एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 5 तक का रिकैप वीडियो बनाया था, तो अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में यूटा वर्सेस सुकुना की फाइट कंटिन्यू होती है और यूटा नोटिस करता है कि सुकुना की रिवर्स कर्स टेक्निक का आउटपुट कम होता जा रहा है और सुकुना को अपना अगला डोमेन यूज करने में दिक्कत होने वाली है। और साथ ही में यूटा के दिमाग में शिबुया की बातें भी चलती हैं, पर वो डिसाइड करता है कि वो सुकुना का मैटर यहीं पे खत्म करेगा। खैर ये तो देखने की बात है कि आगे क्या होने वाला है। यही सब सोचते हुए यूटा अपना डोमेन एक्सपेंशन ओपन करता है और मैं आप लोगों को बता दूं कि डोमेन एक्सपेंशन कैरेक्टर के इनेट टेक्निक से बनती है और उसके कर्स एनर्जी पर वर्क करती है, मगर यूटा की इनेट टेक्निक है कॉपी, जो कि मेरे हिसाब से काफी ब्रोकन है। अब आप लोग खुद ही सोचो, महारोगो को हराना मुश्किल है क्योंकि अगर उसे वन शॉट नहीं करा गया तो वो आपकी टेक्निक को कॉपी कर सकता है, यानी कि अडेप्ट कर सकता है। और यूटा का इनेट टेक्निक है कॉपी, जो कि जाहिर सी बात है जो उसका डोमेन एक्सपेंशन है वो किसी न किसी इनेट टेक्निक का एक्सपेंशन है, और ये बात हमें आगे क्लियर होती हुई दिखेगी। सुकुना एक स्पेकुलेशन करता है कि यूटा ने जरूर एंजल के इनेट टेक्निक का स्मार्ट किया होगा, तभी वो अपने आप को बचाने के लिए बिना टाइम वेस्ट किए होलो विकर बास्केट बना लेता है। अब अगर आप लोगों को पता ना हो कि एंजल कौन है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एंजल भी एक और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, जिसकी कर्स टेक्निक ही दूसरे की कर्स टेक्निक को नल कर देती है, यानी कि खत्म कर देती है। और एंजल कर्स टेक्निक के साथ साथ कर्स ऑब्जेक्ट को भी नल कर देती है, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि एंजल ने मैक्सिमम आउटपुट जैकॉब्स लेटर का इस्तेमाल करके उसने गोजो को प्रिजन रियल्म से बाहर निकाला था, जो कि एक कर्स ऑब्जेक्ट है। और उसकी पावर का अंदाजा हम ऐसे लगा सकते हैं कि एंजल ने अपने अटैक से सुकुना को ऑलमोस्ट मार ही दिया था, मगर सुकुना का पूरा फॉर्म ना होने के कारण उसने अपने बल से ज्यादा बुद्धि पर जोड़ दिया, जैसे कि लोग फ्रॉड कहेंगे। खैर फ्रॉड तो अपना, खैर छोड़ो आगे बढ़ते हैं। खैर अब आते हैं डोमेन की टॉपिक पर। अब आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि इस समय यूटा ने जिसकी इनेट टेक्निक कॉपी की है वो और कोई नहीं बल्कि एंजल ही है, जो कि सुकुना के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। और अगर एंजल का श्योर हिट सुकुना को लगा तो सुकुना की सारी टेक्निक नल हो जाएगी और फिर सुकुना का गेम बजना पक्का है। इसलिए सुकुना ने होलो विकर बास्केट का यूज किया, जिसमें उसके दोनों हाथ और मुंह बिजी रहेगा, जैसा कि योजी और यूटा दोनों चाहते ही थे, क्योंकि सुकुना ऐसा सोचता है कि ये शायद उनके प्लान का हिस्सा है। अब ये जो डोमेन है ये पूरी तरह से एक रिबन की तरह किसी चीज से घिरी हुई है और इसके अंदर कुछ क्रॉसेस और ब्लेड्स लगे हुए हैं, और ये सारी ब्लेड्स अनलिमिटेड ब्लेक वर्ड जैसी फील देते हैं। मगर यहाँ ट्विस्ट ये है कि हर एक ब्लेड किसी न किसी एक कर्स टेक्निक की कॉपी है, जो कि यूटा अभी तक कॉपी करता आया है। और ये चीज हमें तब पता होती है जब यूटा एक ब्लेड से सुकुना पर अटैक करता है तो वो टकाकू ओरो की कर्स टेक्निक निकलती है, यानी कि थिन आइस ब्रेकर। इस अटैक से सुकुना को डैमेज तो होता ही, जो कि वो झेल लेता है, पर पता नहीं वो कब तक झेल पाएगा क्योंकि इस समय कई शॉर्ट्स रखी हुई हैं जिसमें अलग अलग टेक्निक्स है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सुकुना कहता है कि योजी अपने सोल सीजिंग पंचेस से मेगोमी को सुकुना की बॉडी से अलग करना चाहता है, क्योंकि जो ये फाइट चलती आ रही है इसमें योजी ने बहुत कुछ सीखा है। फिर इसके बाद ये वाला चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। अब अगर आप लोग योजी की टेक्निक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं उस पे वीडियो बना दूंगा। और रही बात इस फाइट की, तो ये फाइट आगे कहां तक जाती है ये तो हमें आने वाले चैप्टर में ही पता लगेगा। तो अगर आप लोग इसके अगले चैप्टर को मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही में अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।